हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सेल्स में ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर अगर नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा? जैसे देखिए यहां पर हमारे पास सेल्स में ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबर आ रहा है, देखिए 7 आ रहा है, यहां पर देख रहे हैं। लेकिन अगर आपके में नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए कैसे इसको एक्टिवेट करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग आए या ऑटोमेटिक आए, इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए सीधा चलना होगा अल्टर पर। अल्टर ये दिख रहा है आपको, ये गेटवे ऑफ टैली है, टैली के मेन मेन्यू, यहां पर अल्टर पे जाना है। और जैसे ही अल्टर पे जाएंगे तो यहां नीचे आप देख सकते हैं यहां पर वाउचर टाइप मौजूद है, तो ये वाउचर टाइप ओपन कर लीजिएगा। और सीधा कहां आ जाना है, हमें आ जाना है सेल्स पर। तो ये जो सेल्स दिख रहा है नीचे, बस यहां पर जाकर के आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आ गए हम सेल्स वाले वाउचर टाइप पर, ठीक है, और इसके अल्टरेशन मोड पे आ चुके हैं। अब करना क्या है, यहां पर करना ये है कि यहां पर देखिए ये ऑटोमेटिक हो गया है, ठीक है। ये एक्चुअली में आपके में होता है मैनुअल, तो ये जब मैनुअल हो जाएगा ना तो कंट्रोल ए प्रेस करता हूं और यहां से जब बाहर आऊंगा तो आप देखेंगे जब वी प्रेस करूंगा और सेल्स वाउचर में जाऊंगा तो अब यहां पर नंबर आने बंद हो गए। ऑटोमेटिक जो नंबर आ रहा था, डिस्प्ले हो रहा था, वो नहीं आ रहा है। तो इसको चालू करने का यही तरीका है कि आप यहां से पहले तो बाहर आ जाइए और सीधा कहां चले चलिए, सीधा चलिए वाउचर टाइप पर। और वाउचर टाइप पे जाने के लिए आपको अल्टर पे जाना पड़ेगा, तो अल्टर पे जाइए और फिर यहां पर मिलेगा वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप पे आने के बाद यहां पर आ जाइए सेल्स पर। ये आगे सेल्स पर, अब यहां पर सारा काम आपका हो जाएगा। तो यहां पर एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। और ये जो मैनुअल है इसको इसको बनाना है आपको लाइक ऑटोमेटिक और मैनुअल ओवर राइट कर देंगे तो ये आपके हिसाब से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये मैनुअल ओवरराइड कर दिया हमने, और यहाँ पर प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को यस किया है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है प्रिवेंट डुप्लीकेट, क्या डुप्लीकेट वाउचर नंबर एंटर करेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अभी मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया यूज एडवांस कॉन्फिग्रेशन, तो इसको भी यस कर देते हैं। तो देखिए एडवांस कॉन्फिग्रेशन, अब यहाँ पे कह रहा है कि आप कितने से सीरियल नंबर स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग नंबर, तो मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, और दिखा लिखा हुआ है विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट की विथ कितनी होगी, तो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूं, मतलब 3 अंकों का ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है, ठीक है। प्रीफिक्स, अगर आप 0 प्रीफिक्स के साथ कुछ लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं, तो यस कर दिया है। और यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर 1 ही है, और ये ईयरली चेंज होगा कि डेली चेंज होगा कि इसी तरह से चलता रहेगा, ये इसको करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो है ईयरली चेंज हो या फिर नेवर चेंज, कभी नहीं चेंज होने के लिए नेवर कर देंगे, ये नेवर कर दिया। अगर आप प्रीफिक्स देना चाहते हैं तो प्रीफिक्स दे सकते हैं, एंटर किया। अब सफिक्स में, तो सफिक्स वाला डिटेल यहां पे भरेंगे, तो एप्लीकेबल फ्रॉम में तो 1 सितंबर ही आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये देखिए ये कंट्रोल ए करने पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा। और अब जब हम जाएंगे सेल्स में पास करने, तो ये देखिए 2 बार 0 आ रहा है, देख रहे हैं, अब आसानी के साथ एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये क्यों नहीं ऑटोमेटिक जनरेट करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक एंट्री पास की, जैसे मैं एक डेमो एंट्री पास करके आपको दिखा भी देता हूं कि कैसे ये चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे कैश ही कर देता हूँ फिलहाल, एंटर 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 करके, ठीक है, कैसे ये पास होगी एंट्री, ये पूरी एंट्री दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे कुछ है हमारे पास, पाइथन की बुक है तो शायद ये तो नहीं है, लेकिन जो होगा उसको सेल करेंगे। तो ये राइस है, तो राइस कौन से गोडाउन में है ये देखना पड़ेगा, देवरिया गोडाउन में नहीं है, मेन लोकेशन में है। तो यहाँ से 2 किलो राइस हम सेल कर देते हैं, 44 रुपए के हिसाब से सेल कर रहे हैं। तो ये देखिए ये सेल हो गया, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक शो करने लगा, पहले 001 था, अब 002 हो गया। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटिक सेट कर सकते हैं, ठीक है।